गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट ब्लॉक में आप पढ़ चुके हैं हमारे लास्ट पार्ट के अंदर कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर रखते हैं, और ये जो एलिमेंट्स हमने डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में रखे हैं इनको टोटल हमने चार ब्लॉक्स में बांटा है, दैट इज़ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करना भी सिखाया था, और ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक में आएगा। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, बिल्कुल लास्ट में जो भी ऑर्बिटल आएगा उस ऑर्बिटल को हम बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिटल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिस ऑर्बिटल में होंगे, अगर वो एस ऑर्बिटल में है तो इसका मतलब एलिमेंट एस ब्लॉक से है, पी ऑर्बिटल में है तो इसका मतलब एलिमेंट पी ब्लॉक से है, डी ऑर्बिटल में है तो इसका मतलब एलिमेंट डी ब्लॉक से है, और एफ ऑर्बिटल है लास्ट में तो इसका मतलब एलिमेंट क्या है, एफ ब्लॉक से है। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आपने पोजीशन ऑफ द एलिमेंट आसानी से पता लगा ली कि व्हाट इज़ विल बी द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, एक्चुअली में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने सिर्फ तीन ही कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इनके बारे में आप आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं। तो हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स तीनों की जब हमने प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया तो उसके बेसिस पे हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली अबाउट देम। तो उन्हीं इन्फॉर्मेशंस के बेस पे, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हमने एलिमेंट्स को कुछ और फर्दर ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है, और वही फर्दर क्लासिफिकेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इनर्ट गैसेस की। इनर्ट का मतलब, इनर्ट जो वर्ड यूज़ किया गया है, इनर्ट का मतलब होता है अंदर। इनर्ट का मतलब इसलिए यूज़ किया गया है, इनर्ट मतलब वो उसकी जो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब उसकी जो अंदर वाली कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज़ फुली फिल्ड, मतलब उसके पास जो भी ऑर्बिटल्स होंगे, अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ कि वो नॉबल गैसेज हैं, मैं सिर्फ आपको इनर्ट का मतलब समझा रही हूँ। इनर्ट का मतलब है कि जो भी ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहे हैं, चाहे वो एस और पी हैं या एस पी डी है या एस पी डी एफ है कॉन्फ़िगरेशन में, लास्ट में जो भी ऑर्बिटल्स आपके यूज़ हो रहे हैं वो ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड होंगे। इनर्ट का मतलब ये होता है बेटा। इनर्ट गैसेस का मतलब ऐसी गैसेस जिनके ऑर्बिटल्स क्या होंगे, फुली फिल्ड होंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है, एस एंड पी ऑर्बिटल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड, और इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, एन एस टू एन पी सिक्स। आप अच्छे से जानते हैं एस में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और पी में छः, तो टोटल आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके में, एट इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो एस एंड पी ऑर्बिटल्स यहाँ पर क्या होंगे, इनके फुली फिल्ड होंगे। इनर्ट गैसेस को इसलिए भी इनर्ट कहते हैं बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर। ये जनरली नॉन रिएक्टिव होती हैं, रिएक्ट नहीं करती हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं इनर्ट गैसेस। इनका दूसरा नाम नॉबल गैसेस भी है, क्यों, क्योंकि इनकी नॉबल कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फुली फिल्ड है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी पूरी तरह से फुली फिल्ड है, मतलब इनके ऑर्बिटल्स क्या हैं, कम्प्लीटली फिल्ड हैं। एस में दो और पी में छः ही मैक्सिमम आ सकते हैं, तो इसके अंदर एस में दो और पी में छः बिल्कुल आपको कम्प्लीटली फिल्ड मिलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी बेटा एन एस टू एन पी सिक्स, और इनकी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन देने में इंटरेस्टेड होता बेटा जी, और ना ही ये इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्टेड होता, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है बेटा, ज़ीरो होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि गैसेस की, बेटा जितनी भी नॉबल गैसेज हैं, दैट इज़ कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, आगे क्रिप्टॉन, हाँ जी, हाँ आप अपने मन में भी रिमाइंड कीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़िनॉन, रेडॉन, करेक्ट। ठीक है, आपकी ये जो गैसेस हैं, इन गैसेस के अंदर सिर्फ एक हीलियम ऐसी गैस होती है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ क्या है बेटा, 1s2 है,
मतलब इसके पास सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है। क्या इसके पास सिर्फ एस ऑर्बिटल है? तो आपको ये बात याद रखनी है बेटा, इनर्ट गैसेस में जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2NP6, मतलब सबके पास दोनों ऑर्बिटल होंगे SB एंड PB। लेकिन हीलियम के पास आपके पास क्या रहेगा? सिर्फ एस ऑर्बिटल रहेगा। उसके अलावा आपकी जितनी भी गैसेस हैं, ऑल दीज गैसेस आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर। बट फॉर कंपटीशन आपको याद रखना है कि ज़ीनॉन एक अकेली ऐसी गैस है बेटा जो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही रिएक्ट करेगी, किसी और अदर एलिमेंट के साथ ज़ीनॉन रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ये समझ लें कि किसने बताया था, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। पी बार्टलेट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि ज़ीनॉन इज़ रिएक्टिव इन नेचर। याद रखिएगा, पी बार्टलेट, करेक्ट, पी बार्टलेट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ज़ीनॉन एक ऐसी नॉवल गैस है जो कि रिएक्टिव नेचर की होती है और ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाती है। इवन उन्होंने ये भी बताया कि इसके अलावा जितनी भी गैसेस हैं वो किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करेंगी, सिर्फ ज़ीनॉन के पास ही इतनी एनर्जी है कि वो दूसरों के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो अब किस तरह की एनर्जी है वो सब हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ बेटा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बारे में। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं बेटा? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ब्लॉक बताया था, मैं दोबारा बता रही हूँ। देखिए, ये मैंने एक ब्लॉक बनाया है। सबसे पहले आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, तो ये इज़ योर एस ब्लॉक, ये बीच में आ जाता है डी ब्लॉक, और सबसे लास्ट में आपका आता है पी ब्लॉक, है ना। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के नीचे हम रखते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, लैब में भी आपने देखा होगा। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक में होते हैं दो ग्रुप्स और पी ब्लॉक में होते हैं टोटल 6 ग्रुप्स। तो 2 इसके और 6 इसके, टोटल हो गए बेटा 8 ग्रुप्स। इन टोटल 8 ग्रुप्स को मिला के बनते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बनते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में 2 ब्लॉक्स आए हैं बेटा, एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक। दूसरी चीज़ बेटा, एस ब्लॉक भी आप पहले पढ़ चुके हैं, रिएक्टिव नेचर के होते हैं, और क्या आते हैं इसमें मेटल्स, कौन से? अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो पहली बात कि इनकी आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने से कम होंगे बेटा? 8 से कम होंगे। ठीक है, तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास, और ऑब्वियसली बात है 8 से कम है तो या तो ये गेन करेंगे या फिर ये लूज़ करेंगे। तो या तो ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं या फिर ये नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करते हैं बाय इलेक्ट्रॉन्स के ले दे के। नेक्स्ट है बेटा इनर शेल की मैं बात करूं, अंदर वाले शेल्स इनके कंप्लीट होंगे, सिर्फ एक ही शेल होगा आउटर मोस्ट शेल जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब वैलेंस शेल इसके पास सिर्फ एक होता है। जैसे मैंने आपको ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में भी बता रखा है, डी ब्लॉक के बारे में, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था उसके पास 2 वैलेंस शेल होते हैं, एक तो कौन सा पेनल्टीमेट शेल और एक लास्ट शेल, लास्ट शेल और उससे पहले वाला, है ना। इसी तरह से एफ ब्लॉक में मैं आपको बता चुकी हूँ कि टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं या 3 शेल्स होते हैं जो कि वैलेंस होते हैं, कौन सा? लास्ट, पेनल्टीमेट एंड एंटी पेनल्टीमेट। तो यहाँ पर बेटा सिर्फ एक ही शेल होगा जो आपका इनकम्प्लीट होगा और उसी को हम बोलेंगे वैलेंस शेल। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स इसमें आएंगे एक्सेप्ट नोबल गैसेस, उनको क्योंकि हमने अलग से नाम दे दिया, तो नोबल गैसेस को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं। अब बेटा एस ब्लॉक के अंदर कॉन्फ़िगरेशन आप पहले पढ़ चुके हैं, या तो NS1 होएगी या फिर NS2 होएगी। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन या तो NS1 हो सकती है या NS2 हो सकती है, तो ऐसे NS122 आ गया। इसी तरह से बेटा पी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो पी ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 6। कितने? 6, करेक्ट। तो 6 आ सकते हैं, तो 6 वाला क्या होता है बेटा? ऊपर पढ़ा नोबल गैस, तो 6 वाला तो काउंट होगा नहीं, तो यहाँ पर काउंट होगा अप टू 5। तो आप लिखेंगे NS2NP125, दैट इज़ NS2NP1, NS2NP2, NS2NP3, NS2NP4, NS2NP5। ये आपके किस में काउंट हो जाएंगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में काउंट होंगे। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की।
ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है चेंज, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हमने नाम दिया है बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन चेंज देयर प्रॉपर्टीज़, ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को बदल सकते हैं, तो बिकॉज दे कैन ट्रांजिस्ट देयर प्रॉपर्टीज़। और प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती है, वैलेंसी पे, सिंपल है ना। तो एक टर्म और आपको पढ़नी है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो अभी क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बदल सकते हैं, बिकॉज दे कैन ट्रांजिस्ट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसीलिए इन एलिमेंट्स का नाम हमने रखा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा, बेटा लास्ट ऑर्बिटल को आपने बोला वैलेंस ऑर्बिटल है ना। अगर आपके वैलेंस ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और उसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा, -3। इसी तरह से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं वो एक तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। तो करेक्ट, लास्ट शेल में आपने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो 5 क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, और वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -3, दैट इज़ वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसमें बेटा ट्रांजिशन डी ब्लॉक है, कौन कौन से दो शेल्स काम करेंगे, लास्ट शेल और पेनल्टीमेट शेल, दैट इज़ लास्ट सेकंड सेल आपके जो होंगे वो इनकम्प्लीट होंगे। इसी तरह से लास्ट शेल कंटेन, लास्ट कौन सा है बेटा, एस ऑर्बिटल, तो उसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर कितने होंगे, 2 होंगे, मतलब वो भी इनकम्प्लीट हो सकता है और वो कम्प्लीट भी हो सकता है। इसी तरह से पेनल्टीमेट शेल कौन सा है बेटा, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में कितने हैं बेटा, 5 ऑर्बिटल्स हैं, 5 में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 10, तो यहाँ पर 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं पेनल्टीमेट शेल में। नेक्स्ट मैं बात करूँ, दीज एलिमेंट्स विच हैव पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल, मतलब डी ऑर्बिटल क्या होगा बेटा, इसका पार्शली फिल्ड होगा, मतलब डी ऑर्बिटल क्या होगा, इसका यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। तो डी ऑर्बिटल अगर आपका यूज़ नहीं हो रहा है, दैट इज़ डी ऑर्बिटल यूज़ नहीं हो रहा, मतलब कि वो स्टेबिलिटी शो नहीं कर रहा, वो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 से कम है, तो कितने हो सकते हैं, 9 तक। अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, अगर 1 to 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके डी ऑर्बिटल में, 1 से 9 तक जितने भी हों, तो उस टाइप के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, पार्शली फिल्ड, क्या बोलेंगे, पार्शली फिल्ड। तो अगर डी ऑर्बिटल आपका पार्शली फिल्ड है, तो ऐसे एलिमेंट को हमने नाम दिया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि जिनके डी ऑर्बिटल्स पूरी तरह से भरे हुए नहीं होंगे वही अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बदल सकते हैं। D10 की कॉन्फ़िगरेशन अगर है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अगर है, तो वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। तो ट्रांजिशन में आप लोगे D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9। D1 से लेके D9 की कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या कहलाएगी बेटा, पार्शली फिल्ड। और ऐसे एलिमेंट जिनके पास D9 तक की कॉन्फ़िगरेशन है, उन्हीं को हम नाम देंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जिसकी D10 की कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट देते हैं, लेकिन कब, मतलब D10 में एक स्पेशल केस आ जाएगा। जैसे मैंने जिंक ले लिया बेटा, तो Zn को हम काउंट करेंगे इन देयर फेवरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि D9 तक इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए किस कंडीशन पर, मतलब पार्शली फिल्ड होना चाहिए ऑर्बिटल किस कंडीशन पर, या तो नॉर्मल स्टेट में पार्शली फिल्ड हो, या फिर बेशक वो आयनिक स्टेट में पार्शली फिल्ड हो, मतलब दोनों में से किसी एक स्टेज में वो पार्शली फिल्ड होना ज़रूरी है, उन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं N-1 D की 1 to 10 और NS की 1 to 2, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। अब यहाँ पर N और यहाँ पर N-1 क्यों लिया, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें बेटा, तो आप देखेंगे 4s पहले आता है, 3d बाद में आता है, तो बेटा आपको दिख रहा है S वाले में N है, तो D वाले में N-1 है, इसीलिए हमने नाम दिया है N-1 D 1 to 10 और NS की 1 to 2। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा जी, दैट इज़ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जो आपके F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इनको इनर क्यों बोलते हैं, देखिए बेटा मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको बता चुकी हूँ कि डी ब्लॉक को जब हम लिखते हैं, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के जो ब्लॉक्स होते हैं वो डी ब्लॉक में काउंट होते हैं।
तो यहाँ ग्रुप थ्री में अगर मैं 5D और 6D सीरीज़ की मैं बात करती हूँ तो 5D पे एटॉमिक नंबर होता है 57, उसके बाद 58 ना आके क्या आता है 72 आता है, 72, 73, 74 से कॉन्टीन्यूटी होते हुए 80 तक, इसका मतलब बीच में 58 से लेके 71 तक गायब हैं, वो एक्चुअलिटी में एफ ब्लॉक के हैं, नीचे जो हमने नीचे लगा दिए ठीक है वो एक्चुअली में यहाँ पे आने चाहिए थे इस एलिमेंट के बाद। इसी तरह से नीचे वाले 6D की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका क्या आएगा बेटा जी, एटॉमिक नंबर होता है 89, कितना होता है 89, तो उसके बाद 90 आना चाहिए, 90 नहीं आता है, कितना आता है 104, तो 90 से लेके 103 तक के एलिमेंट हमने नीचे लिख दिए बेटा, दैट इज़ 6F में, है ना। तो ये हुआ क्यों, ये क्या है बेटा, इनको नाम इनर ट्रांजिशन इसीलिए दिया है क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन बोलते हैं, तो उनके बीच में ही इनको रखा जाना चाहिए था, इसीलिए इनको नाम दिया हमने इनर ट्रांजिशन। लेकिन आपने बीच में क्यों नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा क्योंकि अगर हम बीच में एफ ब्लॉक को रखते तो हमारी टेबल डिस्टर्ब हो जाती पूरी तरह से, इसीलिए हमने उसको अलग से नीचे रख दिया, ये बात याद रखिएगा ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ बेटा जी आपकी इसकी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एफ ऑर्बिटल में आपको पता है कि तीन आपके ऑर्बिटल्स रहेंगे, कौन से, लास्ट शेल, पेनल्टीमेट शेल और एंटी पेनल्टीमेट शेल, ये तीन शेल्स रहेंगे जो इनकम्प्लीट होंगे बेटा। लास्ट एस है तो एस के अंदर आपका क्या होगा बच्चा, दो ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल है तो दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। पेनल्टीमेट में आपका क्या होगा बेटा, डी है तो डी में लगभग 8-9 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और एंटी पेनल्टीमेट में कितने होंगे बेटा, 18 से लेके 32 तक ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। कैसे लिखे जाएंगे ये मैं आपको ना स्कूल में कुछ एग्जांपल्स करवा के ठीक है, तो उसके बाद भी मैं आपको ये क्लियर करूँगी थोड़े से कुछ एग्जांपल्स करके, तब आपको इजीली समझ आ जाएगा ये ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हम एक बार दोबारा से करेंगे ओके ठीक है। उसके बाद बेटा इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डी ब्लॉक के अंदर मिलते हैं, मतलब अंदर होने चाहिए थे, अंदर होने चाहिए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर होने की वजह से इन्हें बोल दिया इनर ट्रांजिशन, दैट इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर।